वेलकम दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग भी लोन लेना चाहते हैं, लोन की रिक्वायरमेंट है, तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप लोग मोबीक्विक से कैसे लोन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के दोस्तों, बिना किसी इनकम प्रूफ के आप लोग मोबीक्विक में बहुत आसानी से लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम यही बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे मोबीक्विक से जो कि पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। मोबीक्विक में अप टू 5 लाख तक लोन मिल जाता है बहुत आसानी से दोस्तों, जो कि बिना किसी इनकम प्रूफ के। आप लोग मोबीक्विक यूज करते हैं तो इसमें एक और फीचर है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा पे लेटर का, और मोबीक्विक में पर्सनल लोन का फीचर तो काफ़ी पहले से ही है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसमें पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, ये लाइव अप्लाई करके आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिए। दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते यार, भाई थोड़ी सी हेल्प करा करो चैनल सब्सक्राइब करके। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे तो भाई थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा और हम और बेहतर काम कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मोबीक्विक में लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, आपको मोबीक्विक एप्लीकेशन कुछ टाइम तक यूज करना पड़ेगा, आपको इसमें कुछ ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, जब जाके आप एलिजिबल होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसमें आपको लोन वाला फीचर जो कि लोन अप्लाई करके दिखाते हैं, क्या डॉक्यूमेंट होता है और हमें कितना लोन का ऑफ़र मिलता है और कितनी देर में मिलता है, ये पूरा आपको फुल प्रोसेस दिखाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले फिर से दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं इसके लोन की तरफ, लोन वाले फीचर में जो देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जो कि इसमें पे लेटर्स है, इसमें आप लोग EMI में शॉपिंग भी कर सकते हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, जो कि अप टू 40,000 तक इसमें पे लेटर की लिमिट आप लोगों को मिल जाती है शॉपिंग करने के लिए। आप लोग कुछ भी ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, TV मोबाइल फ़ोन जो भी आप लोग घर का सामान कुछ अगर लेना चाहें तो वो भी बाय कर सकते हैं। और पे बैक आप इसको 6 से 12 महीने के इंस्टॉलमेंट में बिल्कुल बहुत आसानी से इसको पे कर सकते हैं। लेकिन ये जो लोन मनी है दोस्तों, आप इसको अपने बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यह सिर्फ शॉपिंग करने के लिए आप लोगों को, अगर आप लोग इसका पे लेटर लेते हैं तो सिर्फ शॉपिंग करने के लिए आप लोगों को इसकी जो क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। आप लोग कहीं पे भी शॉपिंग कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं जो कि इसके काफ़ी सारे फीचर, काफ़ी ज़्यादा पार्टनर्स हैं इसके, जो आप लोग इनमें से कहीं भी अगर आप लोग इसको यूज करते हैं तो बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसमें पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले हैं, तो हम सिंपली पर्सनल लोन का आपको ऑप्शन दिखाएँगे। चलिए हम दोस्तों यहाँ से हमारा जो स्टेप है वो चालू होता है। तो यहाँ पर दोस्तों पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारे को जो KYC करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे आधार कार्ड से EKYC होगी दोस्तों। सबसे पहले हमें जो है हम अगर आप लोग को तो दोस्तों KYC करने के लिए सबसे पहले जो हमारे आधार से कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप लोग इसकी जो KYC है कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपके आधार कार्ड से कोई भी नंबर लिंक नहीं है तो आप लोग इस लोन को अप्लाई नहीं कर सकते और इसकी KYC भी कम्प्लीट नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि आपको अपने आधार कार्ड से KYC करनी पड़ेगी, उसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा, उसके बाद पैन कार्ड फ्रंट फ़ोटो अपलोड करना होगा और एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी जो KYC कंप्लीट कर लेता हूँ और पैन कार्ड नंबर एंटर कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक पैन कार्ड फ़ोटो और अपनी सेल्फी यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, और उसके आगे का प्रोसेस आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपनी EKYC कंप्लीट कर ली और उसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर वेरीफाई कर दिया और यहाँ पे अपनी सेल्फी और अपनी पैन कार्ड फ़ोटो अपलोड कर दी। उसके बाद आप लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप मैरिड है या अनमैरिड, उसके बाद अपना फादर नेम डालेंगे और मदर नेम डालेंगे। चलिए हम ये एंटर कर लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। सभी डिटेल डालने के बाद आप लोग सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप लोग जैसे ही कंटिन्यू पर करते हैं वैसे ही आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे जो आपका एड्रेस है दोस्तों, जो आप जिस एड्रेस पे रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग सिंपली जिस भी एड्रेस, जो भी एड्रेस आप लोग डालना चाहते हैं वो यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे अपना जो एड्रेस फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपना जो एड्रेस है वो सही से यहाँ पर सब फिल कर लेंगे, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप लोग जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे लोकेशन को अलाउ करेंगे। चलिए हमने लोकेशन अलाउ कर दिया, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल है वो यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी, यहाँ पे आपसे आपकी इनकम वगैरह पूछी जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई भी इनकम प्रूफ आपसे नहीं मांगते। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है वो सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप लोग कंपनी नेम डाल देंगे, उसके बाद आपकी मंथली इनकम डाल देंगे और वर्क एक्सपीरियंस आपको कितना है, आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं
यहाँ पे वो एंटर कर लेंगे। चलिए उसके बाद आप लोगों को अपने कंपनी का एड्रेस पूरा यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप कितने लोन लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और लोन पर्पस एंटर करेंगे। चलिए हम सभी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपनी सभी इंफॉर्मेशन फिल कर लिया। सिंपली उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वैसे ये लोन प्रोसेस होने लगेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेरी प्रोफाइल है वो प्रोसेस होने लगी और यहाँ पे जो मेरे लिए बेस्ट लोन ऑफर यहाँ पे खोजा जा रहा है। दोस्तों मूवीक्विक की कई लोन कंपनियाँ जो इनकी कई पार्टनर्स है जो लोन प्रोवाइड करते हैं मूवीक्विक में, तो हमें किस कंपनी के थ्रू मिलेगा ये हमें नहीं पता दोस्तों। उसी के लिए हम किस कंपनी हमें देना चाहती है लोन, जो भी कंपनी दोस्तों हमारे को ऑफ़र देगी वो ऑफ़र हमारे पास इंस्टेंटली शो हो जाएगा। हम यहाँ पे लाइव ही आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं दोस्तों। सिर्फ आधार कार्ड और सिर्फ पैन कार्ड दोस्तों और एक सेल्फी और आधार कार्ड की मदद से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो कि मेरे लिए ऑफ़र निकल के आया है। ये 80,000 रुपये का ऑफ़र है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। मैं लाइव दिखा रहा हूँ आप लोगों को यार। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो कि मैं 80,000 रुपये के लिए यहाँ पर एलिजिबल हूँ। और ये जो हमारे को ये लोन मिल रहा है दोस्तों, चलिए हम इसको व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं और इसकी डिटेल देखते हैं किस कंपनी के थ्रू मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फाइनेंसर है वो होम क्रेडिट है और यहाँ पे हमें 80,000 रुपये की लिमिट मिली हुई है और इसकी EMI दोस्तों 24 महीने के लिए है। आप लोग देख सकते हैं अगर हम 24 महीने के लिए 80,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 5,043 रुपये हमारी EMI होगी, 1,888 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस होगी और 78,112 रुपये हमारे अकाउंट में जो कि भेज दिए जाएंगे मूवीक्विक वॉलेट में। दोस्तों मूवीक्विक वॉलेट से भी अपने बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए भी कुछ फ़ीस लगती है। अगर आप लोग 70,000 या 80,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं तो लगभग 3,000 से 4,000 रुपये समथिंग कुछ आपको प्रोसेसिंग फ़ीस आपको देनी पड़ेगी फ़ंड ट्रांसफ़र करने की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको लाइव प्रोसेस करके दिखा दिया। यहाँ पे 80,000 का मेरे को ऑफ़र मिला हुआ है। तो दोस्तों ये लोन मैं लेने वाला नहीं हूँ, मुझे लोन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली बहुत आसानी से मूवीक्विक में लोन ले सकते हैं। मैंने सिर्फ अपना आधार कार्ड से KYC करा, पैन कार्ड अपलोड करा और सेल्फी अपलोड करी दोस्तों। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मुझे जो कि 80,000 रुपये का ऑफ़र मिल गया स्टैंड, जो कि होम क्रेडिट की तरफ से। अगर ये लोन आप लोग लेना चाहते हो तो सिंपली आप लोग इसकी टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद आप लोग एक नैच साइन करेंगे। आप लोग जैसे ही ऑटो डेबिट अपने बैंक से अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे और ऑटो डेबिट साइन कर लेंगे, उसके बाद ये जो लोन है वो आपके अकाउंट में 3 से 4 घंटे के अंदर ही ये तुरंत ही भेज दिया जाता है दोस्तों। जो ऑनलाइन वेरीफिकेशन है वो बहुत जल्द हो जाती है, 15 से 20 मिनट के अंदर ही हो जाती है और उसके बाद आप लोग ये पैसा जो कि बहुत आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों ये लोन लेना चाहते हैं तो सिंपली बहुत आसानी से ले सकते हैं, लेकिन हम ये लोन लेने वाले नहीं हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।